पेज नंबर 123 क्वेश्चन नंबर 1 8th पार्ट ट्राइंगल एबीसी फाइंड एक्स और एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री। 110 और एंगल 1, ये हमने अपनी तरफ से एंगल 1 लिख लिया, ये दोनों एंगल एक लाइन पर हैं, स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू 180, 110 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा माइनस 110, तो एंगल 1 हो गया 70 डिग्री। बिकॉज टू साइड्स ए बी एंड ए सी आर इक्वल इन ए ट्राइंगल, देयर फॉर अपोजिट एंगल बी एंड सी विल बी इक्वल। क्योंकि दो अपोजिट साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल बी और सी इक्वल होंगे। एंगल सी एक्स का है तो एंगल बी भी किसके इक्वल होगा, एक्स का। एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 हमने 70 डिग्री का फाइंड कर लिया था, और एंगल बी की जगह एक्स क्यों लिखा, क्योंकि बी और सी दोनों एक्स के इक्वल है, सी भी एक्स के इक्वल है, सी की जगह भी एक्स, इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स में एक्स ऐड कर देंगे 2x, 70 लेफ्ट से राइट में चला जाएगा माइनस 70, 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 110 अपॉन 2 55 डिग्री। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी 55 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 9th पार्ट पेज नंबर 123। ए साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है तो देयर फॉर अपोजिट एंगल बी और सी बी इक्वल होंगे। अभी एंगल बी एक्स के इक्वल है और एंगल सी को हमने एंगल 1 मान लिया, एंगल बी और सी भी इक्वल होंगे बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। बी की जगह एक्स आ गया और सी की जगह एंगल 1, एंगल एक्स और एंगल 1 इक्वल होंगे। बट एंगल 1 तो 30 के इक्वल है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये टू लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बट एंगल 130 का है तो एक्स भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो यही दो क्वेश्चन आज आप फिर पोते में करेंगे और डायग्राम को पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाएंगे। थैंक यू।